मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं मोलोज के बारे में बात करूंगा। सो हियर आई कम, लेकिन इससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। और अगर आपने मेरी पिछली फिल्म की व्याख्या नहीं देखी है तो पहले उसे देखना सुनिश्चित करें। कहानी मोलोग पर आधारित थी। ग्रीक समकक्ष में उन्हें क्रोनोस के नाम से जाना जाता है और रोमन उन्हें शनि कहते हैं। मोलोज, जिसे बाल के नाम से भी जाना जाता है, एक कनानी देवता था। मोलोज शुद्ध करने वाली अग्नि का प्रतीक माना जाता था, जो बदले में आत्मा का प्रतीक है। वह बाल बलिदान से जुड़ा हुआ है और आग से भस्म होने वाले बच्चों की अवधारणा मोलोज को ग्रीक देवता क्रोनोस और उनके रोमन और समकक्ष शनि के साथ सिंक्रोनाइज करती है, जिन्होंने अपने बच्चों को खा लिया। फिल्म में हमें वही मिला जब फेकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मोलोज एक ऐसे देवता के रूप में प्रकट हुआ जिसके बुरे इरादे थे। उसने उसे न्याय का आश्वासन देने के लिए फेकर के साथ एक सौदा किया। इसके बजाय वह उसके अजन्मे बच्चे और उसकी संतान को ले जाएगा। मोलोज के लिए एक अच्छा सौदा। मोलोज ने फिल्म में एक अभिशाप को पुनर्जीवित करने का कारण बना। मोलोज को अक्सर एक बैल के सिर के साथ एक मूर्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें आग पर हाथ बढ़ाया जाता है। उन्हें राक्षसी विशेषताओं के साथ एक विशाल ह्यूमनॉइड बैल के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें मोलोज की प्रसिद्ध मूर्ति थी। सात प्रकार के मंत्र थे। प्रथम फ्लोर, दूसरा कछुए के लिए, तीसरा भेड़ के लिए, चौथा मेले के लिए, पांचवा बछड़े के लिए, छठा गोमांस के लिए और सातवां बालक के लिए। इस वजह से मोलोज मिथकों से जुड़ा हुआ है और इसके सात रहस्यमय द्वार हैं, जिनमें सात कक्ष हैं। जब मोलोज को एक बच्चे की बलि दी गई तो मूर्ति के अंदर आग जलाई गई। पुजारी तब ढोल और अन्य वस्तुओं को जोर से पीटते थे ताकि रोना बाहर न जाए। कई जगहों पर मोलोज को एक उतावले राष्ट्रीय और हत्यारे राक्षसों के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान और स्वर्ग के खिलाफ युद्ध छेड़ना जारी रखना चाहते हैं। मोलोज अक्सर अपनी अशांत परिस्थितियों की अवहेलना करता है, जो तब स्पष्ट होता है जब वह अपने अपराधों के लिए बेदखल होने के बाद भी गॉड से लड़ना चाहता था। हालांकि शैतान उसे पसंद करता था क्योंकि वह बहुत साहसी था और वह हर समय लड़ना चाहता था। ऑन दी अदर हैंड, माँ को रुलाने में मोलोज को खास खुशी मिलती है। ही वॉन्टेड चाइल्ड सैक्रिफाइसेज वेन एवर ए डील मेड। मोलोज एक बुटपस्त प्रजनन देवता, बाद में एक झूठे देवता थे, लेकिन वास्तव में एक गिरे हुए देवदूत थे। उन्हें लूसिफर के एंजल्स के प्रमुखों में सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें नर्क की संसद में एक भाषण दिया था, जहां उन्होंने भगवान के खिलाफ तत्काल युद्ध के लिए तर्क दिया था। वह बाद में पृथ्वी पर एक मूर्ति पूजक देवता के रूप में पूजनीय हो जाता है। वह नर्क में शपथ प्रणाली का दाता भी था, जिसे बाद में मोलोज शपथ कहा गया। मोलोज के कौशल और शक्ति को तब दिखाया गया जब उन्होंने दांते के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक परेड के बेटे को एक बहुत ही मनोरंजक लड़ाई देने के लिए जाना जाता था। लूसिफर द्वारा उनके युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की गई। ही इज ए फॉलन एंजल लेटर रिकग्नाइज्ड एज ए डेमन। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करें। भविष्य में आपको ऐसे कई और दिलचस्प वीडियो और मूवी स्पष्टीकरण मिलेंगे, लेकिन इससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।